दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर, जो है ब्रॉडबैंड वर्सेस वाईफाई। देखो आज के टाइम में आप सब लोग फोन में वाईफाई यूज कर चुके होंगे या फिर कर रहे होंगे, बट कहीं आप ये तो नहीं सोचते कि जो ये ब्रॉडबैंड है और ये वाईफाई है ये दोनों एक ही होते हैं। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है और वाईफाई कनेक्शन क्या होता है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सभी टर्म्स को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पे सबसे पहले टर्म पे बात करते हैं कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है। देखो बेसिकली ब्रॉडबैंड कनेक्शन एक इंटरनेट कनेक्शन होता है जो कि आपको ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अभी नॉर्मली मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो बेसिकली आपको बताइए कि जो भी आपके आसपास में ISP है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आप उसे कॉल करते हो और बोलते हो कि भैया हमें वाईफाई लगवाना है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो अपने यहाँ से एक वायर आपके घर तक कनेक्ट कर देता है और आप लोग सोचते हैं कि वो वाईफाई का कनेक्शन है, जबकि वो वाईफाई का कनेक्शन नहीं होता, वो होता है एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब आप कंफ्यूज हो रहेंगे तो आप वीडियो को पूरा देखो, कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली वो जो कनेक्शन होता है जो वो अपने यहाँ से आपके घर तक एक वायर को कनेक्ट करता है वो होता है एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन। और जो आपके पास राउटर होता है उस राउटर में आपने देखा होगा कि वो जो वायर है वो या तो वो आपके राउटर में कनेक्ट कर देगा या फिर आपका जो कंप्यूटर है वो सीधा उस कंप्यूटर से कनेक्ट कर देगा और फिर आपको एक इंटरनेट की स्पीड मिल जाती है। अब वो जो इंटरनेट होता है उसकी स्पीड अप्रोक्स 50 Mbps की आपको मिल सकती है या फिर 2 Gbps की, जितनी भी आपने स्पीड ली होगी उस हिसाब से आपको मिलता है। और एक चार्ज होता है उसका 500, 600, 1000 जो भी है, उस तरह से आपको कनेक्शन मिल जाता है, राइट। अब यहाँ पे जो आपने कनेक्शन लिया वो है ब्रॉडबैंड, लेकिन इसी ब्रॉडबैंड कनेक्शन से ही प्रोड्यूस होता है वाईफाई कनेक्शन। कैसे? बेसिकली जो आप राउटर लाते हो, जिसमें राउटर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, तो बेसिकली इस राउटर में आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन कनेक्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका वहां से जो ISP है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वहां से लेके आपके घर तक इंटरनेट कनेक्शन आ चुका है। अब जो ये राउटर होता है वो क्या करता है कि आपके इस वायर्ड कनेक्शन को, जो कनेक्शन वायर के थ्रू आया, उसको वायरलेस कर देता है और तब जो नेटवर्क आपके पास आता है वही होता है वाईफाई। तो बेसिकली जो आपका राउटर है वो क्या करता है, वायर्ड कनेक्शन को वायरलेस कनेक्शन में कन्वर्ट कर देता है और तब जो आपका वाईफाई का मतलब भी मैं आपको क्लियर कर दूं, वायरलेस फिडेलिटी। तो तब क्या होता है कि वाईफाई प्रोड्यूस होता है। और आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो राउटर है उसकी एक लिमिट होती है, मान लो कि 10 मीटर 15 मीटर, इससे ज्यादा आप दूर जाते हो तो आपका कनेक्शन काफी लो हो जाता है, इवन कई बार कैच भी नहीं करता। तो बेसिकली क्या होता है कि वो जो राउटर में जो एंटीनास निकले होते हैं वो क्या करते हैं कि एक नेटवर्क आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, और उस फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत अगर आप आते हो, मतलब उस फ्रीक्वेंसी के अंदर अगर आप आ रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है कि आप अपने फोन से उस राउटर को कनेक्ट कर लेते हो और तब वो जो वायरलेस कनेक्शन है आपके पास वाईफाई के तौर पे, आप उसका यूज कर पाते हो। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो कंफ्यूजन था कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन और वाईफाई कनेक्शन ये दोनों सेम नहीं है। बेसिकली जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो है एक वायर्ड नेटवर्क जो कि आपको ISP के थ्रू आपके घर तक मिलता है, फिर जो आप राउटर लाते हो उस राउटर की मदद से वो जो वायर्ड कनेक्शन है उसको वायरलेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी के दायरे में रहते हो तब आप अपने फोन को उस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर पाते हो। जो भी राउटर का एंटीना है, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, उस लेवल तक आप उसके दायरे में रहते हो और आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि दोस्तों वाईफाई और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो ये कंफ्यूजन है वो आपको क्लियर हुआ हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।